घोटाले में शामिल होने का आरोप है। एक मलहन, हर्ष लिम्बाचिया, लक्ष्य चौधरी, पूरव झा, अभिषेक मलहन, एल्विश यादव और क्रेजी एक्स वाई जेड जैसे लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसमें आपके फेवरेट यूट्यूबर्स अभिषेक मलहन, एल्विश यादव और क्रेजी एक्स वाई जेड जैसे लोग भी शामिल हैं। तो ये मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ व्यूज या फिर वॉच टाइम के लिए, यह एक बहुत ही सच बात है और आप 4 अक्टूबर के द हिंदू के न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। हाईबॉक्स नाम के ऐप से एक 500 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां पर इस ऐप के जरिए 30,000 से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया गया और उनका पैसा लूटा गया। यह ऐप 2023 में बना था और यह फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ था। बेसिकली यह एक इन्वेस्टमेंट ऐप है जिसके जरिए आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और यह ऐप आपको 30% से लेकर 90% तक रिटर्न्स ऑफर करता है, जिसके कारण यह काफ़ी फेमस बन गया। और आजकल बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इस ऐसी ऐप्स का प्रमोशन और ऐसी ऐप्स का यूज़ बहुत बढ़ गया है और आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के जरिए इस ऐप का प्रमोशन करते देख आप मान लेते हैं कि यह ऐप सत्य होगा, पर बाद में आपको पता चलता है कि यह भी एक स्कैम था। मास्टरमाइंड शिवाराम को बताया जा रहा है, जो कि एक सतरुला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। और तो इसमें हमारे प्यारे इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया, पुलिस ने 10 लोगों के नाम पर नोटिस जारी किया है, जिनमें एल्विश यादव, पूरव झा, अभिषेक मलहान, भारती और सौरभ जोशी जैसे नाम शामिल हैं। तो यह सारे इन्फ्लुएंसर हाईबॉक्स जैसे ऐप्स का प्रमोशन करते पाए गए, जिसके वजह से इनको नोटिस मिला है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब इन इन्फ्लुएंसर को नहीं पता होगा कि इन ये सारी ऐप्स फ्रॉड है या फिर एक स्कैम है, पर अब हाल कुछ ऐसा है कि यह सभी लोग उस घोटाले डेली से लेकर 30% मंथली रिटर्न्स देने का वादा करती है, जिसके कारण इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस भी बढ़ता गया, क्योंकि इसमें हाइयर रिटर्न्स थे। पर जुलाई तक आते आते इस कंपनी ने आपको रिटर्न देना ही बंद कर दिया, जिसके कारण यह कंपनी बिल्कुल बंद हो गई और उसके खिलाफ केसेस हो रहे हैं कि जो पैसे लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किए गए थे, उन सभी पैसों को ढेर सारे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और यह नॉर्मली नोएडा और चेन्नई जैसे ऑफिसेस से हुआ है। 10 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को नोटिस भेजा है और उनसे पूछा है कि उनको कितने पैसे मिले इस ऐप की प्रमोशन करने के और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी। IFSO यूनिट इन सभी चीज़ों पर जांच कर रही है और चेन्नई और नोएडा जैसे ऑफिसेस पर छापेमारी भी की जा चुकी है, जिससे पता चला कि इस कंपनी के इंटरनेशनल लिंक्स भी थे। सावधानी, तो आखिर इस मामले से हम सीखते क्या हैं? तो आपको बहुत ही सोच समझ कर अपना या अपने घर वालों का पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसी जगह जहाँ पर आपको फ्री में पैसे दिए जाए उसको आप ना ही चुनें, क्योंकि आपको ये बिना किसी काम करवाए लगभग 30-90% रिटर्न दे रही, मतलब कुछ तो काला है दाल में। ये नॉर्मल कोई इंसान आसानी से सोच सकता है इसमें। अब बात यह है कि यूट्यूबर्स को इन सभी चीज़ों के प्रमोशन के पैसे मिलते हैं तो वो सिर्फ उस पैसे पर ध्यान देते हैं, ना कि उससे हो रहे लोगों पर फ़र्क की। मैं ये आखिरी बात बताना चाहूँगा कि कोई भी आपको फ्री में पैसे नहीं देने वाला, यह बात आप जान लीजिए।